हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होगा वर्क डन। दूसरा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के, और तीसरा कंसेप्ट जो हमारे पास आएगा वो हम स्टडी करेंगे SHM को लेकर के। तो ये सभी कंसेप्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। हम लोगों ने जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हमारे पास जो टॉर्क बना था वो बना बेटा PE sin थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला बना था हमारे पास टॉर्क एक्टिंग होना डाइपोल के लिए। अब यहाँ हमारे पास तीन सिचुएशंस हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में हमारे पास काम आने वाली हैं, तो उनको बहुत ध्यान से सीखेगा। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि अगर थीटा बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रख दिया हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे एक डाइपोल को, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, विल बी दिस वे। सो देखिए ध्यान से, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। और अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्क इज गोइंग टू बी PE एंड साइन 0, एंड साइन 0 इज गोइंग टू बी 0, तो टॉर्क भी कितना बनेगा 0। सो जब टॉर्क 0 बन रहा है वो भी किस वजह से, कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से पैरेलल चल रहे हैं। सो दिस इज नोन टू बी द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सो दैट सिचुएशन विल बी नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी का एक रिवर्सल केस कि इफ थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट इज 180 डिग्री, मींस एंटी पैरेलल, बिल्कुल इसका अपोजिट केस हो जाता है। सो से ये रही हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और हमारा डाइपोल अब कुछ इस तरीके से रखा गया यहाँ पे। सो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, एंटी पैरेलल, और एंगल हो गया दोनों के बीच का 180 डिग्री। सो इन दैट केस टॉर्क इज गोइंग टू बी PE साइन 180, साइन 180 इज 0, सो टॉर्क अभी भी कितना रहेगा 0। बट क्योंकि ये 0 जो आ रहा है वो एंटी पैरेलल होने की वजह से आ रहा है, सो दिस इज नोन टू बी द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन जो कहलाएगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, सो थीटा 90 डिग्री होने का मतलब डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो टॉर्क इज गोइंग टू बी PE, क्योंकि साइन 90 विल बी 1, जो कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो टॉर्क रहेगा बेटा वो मैक्सिमम रहेगा। तो ये तीन सिचुएशंस याद रखनी है, इफ थीटा इज 0 दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ थीटा इज 180 देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इफ थीटा इज 90 देन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। सो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा कि एक डाइपोल पर वर्क डन कितना होगा। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली इस तरीके से, से दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल को रख दिया दिस वे, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ से एंगल बना रहा है थीटा। और इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लिखा था पी इज इक्वल्स टू क्यू इन टू 2a, मीन्स ये माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, और डाइपोल का डिस्टेंस 2a, तो उस हिसाब से पी विल बी रिटन एज क्यू इन टू 2a। हम लोगों को पता है कि वर्क डन की जो बेसिक इक्वेशन है दिस इज ऑलवेज रिटन एज dw इज fdx, बट इस इक्वेशन का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। जब हमारे पास किस तरह का मोशन एग्जिस्ट कर रहा हो बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन। बट हम लोगों ने वेरीफाई किया था कि जब एक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट नहीं करता, नेट फोर्स 0 हो जाता है और वहाँ एग्जिस्ट करता है टॉर्क। तो इस वजह से हम लोगों ने इस इक्वेशन के रोटेशनल एनालॉग को कंसीडर करने की कोशिश करी, और इक्वेशन हमारे पास रेडी हो जाती है यहाँ से, dw इज इक्वल्स टू टॉर्क डी थीटा, मतलब वर्क डन एज इट इज रहेगा, जो फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा टॉर्क में, और जो स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। सो नाउ हम लोग जानते हैं टॉर्क इज PE sin थीटा, इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं
इस टॉर्क की जगह पर, तो हमारे पास जो वर्क डन बनेगा दिस इज गोइंग टू बी पी ई साइन थीटा डी थीटा, इस तरीके से। इस इक्वेशन को हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो ये हो गया डी डब्ल्यू और यहां से हो गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। नाउ जीरो टू टोटल वर्क डन एंड फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया बेटा हमारे पास टोटल वर्क डन डब्ल्यू। यहां से पी ई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रल करेंगे विल बी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को हमने बाहर ले लिया और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। नाउ लिमिट्स एंटर कर देते हैं तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल एंड माइनस कॉस थीटा इनिशियल। तो ये बेसिक फॉर्मूला बन जाता है बेटा हमारे पास वर्क डन ऑन अ डाइपोल व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन की बेसिक इक्वेशन बनेगी दैट वर्क डन इज माइनस ऑफ पी ई एंड कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बेटा अभी सॉल्व करते हुए, इस इक्वेशन को जब हम लोगों ने बनाया तो लिमिट्स लेकर के बनाया। नाउ से अगर हम लिमिट्स नहीं कंसीडर करते, इफ लिमिट्स आर नॉट कंसीडर्ड, इन दैट केस हमारी इक्वेशन चलेगी कुछ इस तरीके से, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। सो यहां से ये बना डब्ल्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी पी ई और ये साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। इन दैट केस दिस वर्क डन विल बी माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान रहे, इस सिचुएशन में जो वर्क डन है बेटा, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, यही वर्क डन जो है वो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर करेगा। दिस मींस सिंबल लेंगे हम लोग बेटा वहां पे यू, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के लिए फॉर्मूला बना माइनस पी ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है बेटा तो डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, सो इक्वेशन विल बिकम्स पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगला कंसेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं बेटा दैट इज अबाउट द एसएचएम ऑफ डाइपोल, कि अगर हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे एग्जीक्यूट करेगा और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो सकता है, सो इसको ध्यान से सीखना है बेटा सभी ने। नाउ हम लोग जानते हैं जो टॉर्क अप्लाई किया जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट टॉर्क इज गोइंग टू बी पी ई साइन थीटा, वो ये बनेगा। नाउ अगर हमारा डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, सो इफ डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हम लोगों ने उसको, सो इन दैट केस थीटा विल बी वेरी स्मॉल, और थीटा अगर बहुत छोटा है इन दैट केस साइन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर ही होगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को यहां से यहां रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास टॉर्क बन जाता है बेटा पी ई थीटा। नाउ ये वो टॉर्क है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस डाइपोल पर लगाया, पर बात है किस चीज की, एस एच एम की। एस एच एम स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिस्टोरिंग, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ अप्लाइड, क्योंकि भाई दोनों के मैग्नीट्यूड रहते हैं सेम, डायरेक्शंस होती हैं अपोजिट, सो रिस्टोरिंग फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स। इन द सेम मैनर वी कैन हैव रिस्टोरिंग टॉर्क इज द नेगेटिव ऑफ अप्लाइड टॉर्क। तो इसको अगर यहां रिप्लेस किया तो हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क बन जाता है माइनस ऑफ पी ई थीटा। नाउ से दिस टू बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम फिलहाल के लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ क्लास 11th में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन टॉर्क
एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ जो आई है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा. सो रिलेशन हमारे पास हुआ करता था टॉर्क इज आई एल्फा. अब देखिए टॉर्क आई एल्फा के बराबर भी है और टॉर्क जो है वो माइनस पी ई थीटा के बराबर भी है. सो कंपेयर कर लेते हैं इस रिजल्ट को फर्स्ट के साथ. सो कंपेयरिंग विद फर्स्ट, तो जैसे ही इसको कंपेयर किया सो दिस आई एल्फा विल बिकम्स माइनस ऑफ पी ई थीटा. अब देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट कॉन्स्टेंट रहेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स हो जाएगा. तो इन दैट केस दिस एल्फा इज वेरिंग डायरेक्टली टू नेगेटिव ऑफ थीटा. ये चीज बनी. तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक सिस्टम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली वेरी कर जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? रिस्टोरिंग नेचर को. सो नाउ वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द एक्सेलरेशन इज वेरिंग प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. सो नाउ दिस इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ हम लोग देख चुके हैं कि जो डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में SHM को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई थी आई एल्फा इज माइनस ऑफ पी ई थीटा. इस इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ क्योंकि डाइपोल इज इन SHM, डाइपोल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और हम लोग जानते हैं जब सिस्टम SHM एग्जीक्यूट करता है तो एक्सेलरेशन इन SHM इज रिटन एज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई. बट ये केस होता है बेटा ट्रांसलेटरी के लिए और हमारा डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन कर नहीं रहा, हमारा डाइपोल है रोटेशनल मोशन में. तो इसका रोटेशनल एनालॉग लेंगे हम लोग तो ए हो जाएगा अल्फा, मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन को लेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और इस इक्वेशन में से अल्फा की वैल्यू को हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर यहां पर. तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन को यूजिंग इन सेकेंड तो हमारे पास बनेगा बेटा यहां से आई अल्फा की जगह हो गया बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एंड दिस माइनस ऑफ पी ई थीटा. नाउ यहां थीटा से थीटा कैंसिल, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव हट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ई और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं. नाउ दोनों साइड अगर रूट ले लिया जाए तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू पी ई बाय आई एंड दिस ओमेगा इज रिटन एज टू पाई बाई टी. सो टू पाई बाई टी विल बी पी ई बाय आई. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड टी को शिफ्ट कीजिए तो हमारे पास हो गया टी इज टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पी ई. नाउ एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इन SHM जो बेसिक इक्वेशन होता था टाइम पीरियड का टी इज टू पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, ये इक्वेशन होती थी बेटा हमारे पास. तो बेसिक आंसर तो हमारा यहाँ कवर अप हो गया, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग क्योंकि जनरल इक्वेशन होती है टी इज टू पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर. अगर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो ध्यान से देखिए जो स्प्रिंग फैक्टर है वो बन रहा है हमारे पास पीई एंड व्हाट इज दिस पीई, दिस पीई इज द मैक्सिमम टॉर्क. इसका मतलब जब डाइपोल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा तो जो स्प्रिंग फैक्टर रहेगा हमारे पास उस डाइपोल का वो कौन होगा, उसी डाइपोल पर जो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा दैट इज पीई, वही उसका स्प्रिंग फैक्टर कहलाएगा. तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली चार कंसेप्ट को कवर कर लिया है. सबसे पहला कंसेप्ट स्टेबल अनस्टेबल मैक्सिमम की कंडीशन, सेकंड कंसेप्ट हमने देखा कि वर्क डन कितना होगा दैट इज माइनस ऑफ पी ई ब्रैकेट बिगिंस कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल. उसके बाद तीसरा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसमें याद रखना है अगर वर्क डन डिराइव करते समय हम लोग लिमिट्स नहीं ले रहे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा डब्ल्यू इज माइनस पी ई कॉस थीटा और वही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर करता है. और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाएगा तो वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगी, जिसमें कि उसके टाइम पीरियड की जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अंदर जो स्प्रिंग फैक्टर है वो उसी डाइपोल पर लग रहे मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होगा.